आरा शहर की नवादा मिल रोड स्थित ब्याहुत कलवार सेवा संघ के तत्वाधान में भगवान बलभद्र जयंती समारोह धूमधाम से संपन्न हुई। इस दौरान समारोह की शुरुआत ब्याहुत सेवा सदन स्थित भगवान बलभद्र जी, भगवान जगन्नाथ जी और माता सुभद्रा जी के पूजन से शुरू हुआ। ढोल नगाड़े की गगनभेदी आवाज के साथ ओम श्री गणेशाय नमो, ओम श्री बलभद्राय नमः के साथ पूजा पर ब्याहुत कलवार सेवा संघ के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ब्याहुत एवं उनकी पत्नी अंजू ब्याहुत मुख्य यजमान की भूमिका में पूजा पर बैठे। इस दौरान ब्याहुत कलवार सेवा संघ के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वैश्य शिरोमणि पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, ढाका विधायक सह वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश अध्यक्ष पवन जायसवाल, आरा मेयर इंदु देवी, आरा विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व सांसद मीना सिंह, बीजेपी जिला अध्यक्ष भोजपुर दुर्गा राज, भाजपा बिहार प्रदेश व्यापार प्रकोष्ठ के सह संयोजक सह वैश्य महासम्मेलन के प्रदेश मंत्री आलोक अंजन उर्फ छोटे सहित कई लोग मौजूद रहे। साथ ही समाज के सभी मेधावी बच्चों को मेडल, सर्टिफिकेट और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम के बारे में बता दें कि कलवार परिवार के कई सदस्य अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजा पर बैठे। पूरी तरह से वैदिक रीति रिवाज से पूजा संपन्न हुई और भगवान बलभद्र जी की जयकारे के साथ भगवान बलभद्र का पीताम्बर ध्वज अध्यक्ष एवं सत्यनारायण ब्याहुत, सुरेश ब्याहुत, गणेश ब्याहुत, मुकेश ब्याहुत, दीपक ब्याहुत, मंटू जी ब्याहुत, गुप्तेश्वर जी ब्याहुत, कन्हैया जी ब्याहुत, अनिल ब्याहुत, अश्वनी ब्याहुत, जयप्रकाश ब्याहुत, ओम प्रकाश ब्याहुत, अमर ब्याहुत, रजनी रंजन ब्याहुत, रजनीश ब्याहुत, मुन्ना ब्याहुत, रामेश्वर ब्याहुत के साथ साथ सैकड़ों लोगों के साथ जयकारे की ध्वनि के साथ कुल देवता का ध्वज के ध्वजारोहण किया गया। उसके बाद उपस्थित सभी लोगों ने भगवान की आरती लेने के बाद प्रसाद ग्रहण किया। तब मंच पर एक कार्यक्रम का आगाज भगवान गणेश जी की गणेश वंदना से हुई, जिसमें अंशु ब्याहुत और दीप्ति ब्याहुत द्वारा बहुत ही अच्छे ढंग से गणेश वंदना प्रस्तुत किया गया। उसके बाद सभी माननीय 61 ट्रस्टी सदस्यों का स्वागत अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ब्याहुत, पूर्व अध्यक्ष महासचिव, पूर्व महासचिव द्वारा बारी बारी से ट्रस्टी सदस्यों को बैच, पट्टिका, आई कार्ड एवं भगवान बलभद्र जी की खूबसूरत मोमेंटो प्रदान कर किया गया। सक्रिय महिला कलवार सदस्य चंदा गुप्ता, अंजू ब्याहुत, सीमा प्रसाद एवं प्रेम प्रसाद द्वारा सामूहिक रूप से 18 सदस्य सक्रिय महिला कलवार सदस्यों को सॉल, बैच, पत्रिका, आई कार्ड एवं भगवान बलभद्र की मोमेंटो प्रदान कर पूरा हुआ। उसके बाद सक्रिय कलवार सदस्यों का भी अभिनंदन एवं स्वागत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष एवं सचिव महोदय द्वारा पूरा किया गया। इस बीच समाज द्वारा आमंत्रित मुख्य अतिथि विशिष्ट अतिथि के रूप में सभी उपस्थित जनप्रतिनिधि पहुंचे और इस कार्यक्रम में पूर्व मंत्री एवं आरा के पूर्व सांसद आर के सिंह का स्वागत जितेंद्र कुमार, विकास ब्याहुत एवं गणेश प्रसाद ब्याहुत द्वारा किया गया। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद जी का भी स्वागत सत्यनारायण प्रसाद ब्याहुत एवं सुरेश प्रसाद ब्याहुत द्वारा किया गया। आरा नगर के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह का स्वागत जयप्रकाश नारायण एवं दीपक जी द्वारा किया गया। वहीं पूर्व सांसद मीना सिंह का स्वागत जितेंद्र ब्याहुत एवं चंदा गुप्ता द्वारा किया गया। आरा नगर निगम की मेयर इंदु देवी का स्वागत चंदा गुप्ता, अंजू ब्याहुत, प्रेम प्रसाद द्वारा किया गया। वहीं हेम नारायण शाह जी का स्वागत अश्वनी जी एवं मुकेश जी द्वारा किया गया। MLC राधाचरण शाह उर्फ सेठ जी का स्वागत सत्यनारायण प्रसाद एवं सुरेश प्रसाद द्वारा किया गया। विनोद जायसवाल का स्वागत मंटू जी एवं ब्याहुत एवं रजनीश ब्याहुत द्वारा किया गया। हेम नारायण शाह का स्वागत रजनी रंजन एवं सागर ब्याहुत द्वारा सॉल, पट्टिका, बैच, आई कार्ड, भगवान बलभद्र का मोमेंटो एवं माला पहनाकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज में किया गया। इस बीच मुख्य अतिथि पूर्व सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री आर के सिंह एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार तारकिशोर प्रसाद द्वारा दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ। दीप प्रज्वलित करने के क्रम में पूर्व सांसद मीना सिंह, नगर विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, ढाका विधायक पवन जायसवाल, पूर्व मंत्री हेम नारायण शाह, पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद, विधान परिषद सदस्य राधाचरण शाह, विधान परिषद सदस्य विनोद जायसवाल ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन में हिस्सा लिया। पुनः समाज के लगभग 142 मेधावी बच्चे बच्चियों जिन्होंने अपने वर्ग में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किया, उन्हें आगत अतिथियों द्वारा मेडल, प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया।
तत्पश्चात आरासरी क्षेत्र के विशेषज्ञ डॉक्टर अभिनीत कुमार, डॉक्टर अमित जायसवाल, डॉक्टर विजय गुप्ता, डॉक्टर नरेश प्रसाद, डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद, दंत विशेषज्ञ डॉक्टर प्रसाद को मुख्य अतिथियों द्वारा एवं विशिष्ट अतिथियों द्वारा सॉल बैच पट्टी का मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। समूचे भोजपुर जिले से पहुंचे कलवार समाज के सैकड़ों समाजसेवी को सभी ट्रस्टी सदस्यों द्वारा पट्टी का बैच एवं मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। इस बीच कई बच्चे और बच्चियों ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया, वहीं मान सम्मान और प्रशस्ति पत्र दिया गया। समाज के दो प्रबुद्ध महिला जो वर्षों से अपने दानशीलता के लिए प्रख्यात हैं, रामजी प्रसाद की माताजी एवं पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय बिंदेश्वरी प्रसाद ब्याहुत की धर्मपत्नी को बहुत ही आदर के साथ सॉल व माता राधा के नाम लिखी हुई पट्टी का भगवान बलभद्र का मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया और उनका आशीर्वाद भी प्राप्त किया गया। वहीं सभी ट्रस्टी सदस्यों को अंगवस्त्र बैच पट्टी का एवं मोमेंटो से विशिष्ट अतिथि मीना सिंह, आरा नगर निगम की मेयर इंदु देवी, नगर विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह, भाजपा नेता आलोक अंजन द्वारा किया गया। सैकड़ों मेधावी बच्चे बच्चियों, नई नई नौकरी प्राप्त युवक युवतियों, महिलाओं को अध्यक्ष जितेंद्र कुमार ब्याहुत, गणेश प्रसाद ब्याहुत, सत्यनारायण प्रसाद, सुरेश प्रसाद, राजेश कुमार, दीपक कुमार, अश्वनी कुमार द्वारा मेडल एवं सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन तारकेश्वर प्रसाद द्वारा किया गया। अंत में धन्यवाद करते हुए रात्रि 9 बजे कार्यक्रम को समाप्त किया गया।